सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का हिंदी थर्ड लेवल की क्लास लेने जा रही हूँ। मैं चैप्टर 12 ड और ल का प्रयोग मैं बताऊंगी। ये जो दोनों वर्ण है ये भी आपके हिंदी वर्णमाला के ही वर्ण है, तो लेकिन इसके जो है ल और ढ ये इसका अलग एक ध्वनिया होती है, इसका उच्चारण भी अलग होता है। तो मैं इसी से जो शब्द बनते हैं मैं वो आपको आज बताने जा रही हूँ। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ड़ा और ड़ा ये लेकिन शब्दों के पहले नहीं लगता है, ये शब्दों के बाद में ये मध्यम में यानी मिडिल में लगता है या फिर अंत में लगता है। देखिए ये कभी भी आपके शब्दों के पहले नहीं लगता है, किसी भी शब्द के ये वर्ण जो है किसी भी शब्द के पहले नहीं लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको किसी से रिलेटेड कुछ शब्दों को मैं बताने जा रही हूँ। पहला है आपका र वर्ण वाले शब्द, इसको देखिए। इससे पहला है आपका पेड़, घड़ी, ककड़ी, गुड़िया, फिर आपका भेड़, घोड़ा, मकड़ी, चिड़िया, गाड़ी, सड़क, लड़की, पुड़िया। फिर है आपका साड़ी, पापड़, लकड़ी, चूड़िया। फिर आपका सड़क, पहाड़, साड़ी, पापड़, लकड़ी, चूड़िया। तो देखिए इसका आप जितने भी शब्दों का जब आप उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण या वर्ण है उसी के को देख करके उसी के हिसाब से उसका उच्चारण भी होता है। तो जब लिखिएगा तो आप लोग को ये कभी भी आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ड और ड़ा एक है, दोनों लेकिन एक नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ण है, दोनों ही हिंदी वर्णमाला के वर्ण है। तो ये आप लोग को याद रखना है। और देखिए यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द हैं इसमें जो ड शब्द है ये शब्द के बाद में पहले शब्द के किसी भी शब्द में पहले वो नहीं आता, वो हमेशा शब्दों के अंत में ही आता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो शब्द है ये जो वर्ण है ये आप लोग को शब्दों के बाद में आता है, पहले कभी नहीं लगता है। तो आप लोग को ये लिखना है, देखिए आप लोग को ये है पता चलना चाहिए कि ड और ड और ड ध और ड दोनों एक नहीं है। जैसे मैं आप लोग कुछ अंतर में बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए है अगर आप लोग करते हैं डोर लिखते हैं, डोर अगर लिखते हैं डोर तो ये ड सबसे बनता है, वहीं पर हमारे लिखते हैं पे। देखिए दोनों वर्ण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं जब इसको सम्मिलित करते हैं किसी शब्द में दोनों का लेकिन अलग अलग मतलब भी होता है और दोनों लेकिन एक नहीं है, डो पे उसका उच्चारण भी क्या है अलग है। फिर देखिए और एक है ड,
डमरू, और एक क्या है, गुड़िया। यहाँ पर ड लगा है और ये पड़ा, उच्चारण भी इसका अलग है। और जैसे घाट में बता रही हूँ आप लोगों को, ढोलक, जब आप लोग ढोलक लिखिएगा, ढोलक घास है, लेकिन जब इसमें बिंदी लगाएंगे जैसे प भाई, इसका उच्चारण भी हम लोग देख सकते हैं अलग हो जाता है। फिर है आपका ढोकला, ढोकला पढ़ा है, इसका करेंगे हम लोग पढ़ा, बढ़िया ढोकला, बढ़िया। देखिए दोनों का जो है इस्तेमाल भी अलग अलग है, इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं वो भी अलग है। तो ये शब्द, ये वन और ये वन सभी क्या है, दोनों ही अलग है।